बख्श। मेरा मादरी ज़बान बलूची है। आर्टिस्ट मिलर में तकरीबन मेरे को यहाँ काम करने 4 साल हो गए और काम हेल्परी का कर रहा हूँ। गरीब थे, मजदूरी कर देते तो तालीम हासिल नहीं कर सका। उसके बाद फिर बड़े हो गया, फिर पछताना पड़ा, यार काश हम भी पढ़ लिखे होते। किसी और लड़कों को देखते थे, वो मैसेज कर रहे हैं, मोबाइल पे नेट चला रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं क्या है पढ़ो, कोई नंबर ढूंढने के लिए बोले कौन सा किसका नाम है वो पढ़ो। जब से ये कोर्स हो गया है अभी से शौक़ पैदा हो गया है, वो जो बचपन पे खो दिया था अभी काश कर सकें। वो कोर्स पढ़ने में मुश्किल था थोड़ा बहुत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको लिखते गए मिटाते गए, लिखते गए, आहिस्ता आहिस्ता जैसे तब्दील आते आते फिर सारे सही हो गया था। बाहर किताबें लेके जाते थे, यार कोई देखता था, हाँ वही किताब है तुम लोगों के हाथ। हम लोगों ने बोला यार पढ़ रहे हैं, बोले कहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने बोला फैक्ट्री में, तो बोले पैसे भी लेते हैं, हम लोगों ने बोला नहीं फ्री में पढ़ाती हैं, सब कुछ फ्री में सिखाती हैं। घर वालों ने किताब देखा, हाँ ये क्या है तुम लोगों के हाथ में, हम लोगों ने बोला किताब है, बोले पढ़ना लिखना जानते हो तुम लोग, हमने बोला नहीं कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सीख जाएंगे, तो घर वालों ने भी बोला सही है चलो खुद से लिखोगे खुद से सीखोगे किसी का मोहताज तो कल को नहीं होगे। देखो हम लोग कभी कभी किताबें डिपार्ट में भी लेके जाते हैं तो हमारी दोस्त देख लेती हैं, भाई तुम लोग पहले नहीं लिखना जानते थे अभी लिख रहे हैं, हम लोग बोलते आओ बैठो हम लोगों को देखो हम लोग खुद लिख रहे हैं। ये लोडिंग का काम है, उस पर नंबर लिखा होता है, भाई ये माल गिराना है वो माल गिराना है, उस पर नंबर लगे हुए हैं। पहले इतना नहीं आता था तो सुपरवाइज़र को जाके उठाते थे, वहाँ माल दिखाओ ये माल कौन सा है कौन से नंबर पे गिरेगा। अभी पढ़ाई की वजह से बहुत तब्दीली आई है, अभी सुपरवाइज़र एक ही बार बोलता है हम लोगों को पता है फलान फलान नंबर का माल है तो वो ही लगेगा। अगर मशीन पे भी खड़ा करेगा हम लोगों को पता है इतना हज़ार मशीन का बाल उतरेगा, इतने में लीज आएगा, वो सब कुछ पता लग गया है पढ़ाई के बाद, काफ़ी फ़र्क आया है। मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को बगैर तालीम के नहीं छोड़ेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन ये तालीम लाजमी हर बच्चे के लिए ज़रूरत है। वो दुनिया दिख रही है अनपढ़ के लिए ऐसे ही है, वो दुनिया अंधेरा है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे गुजारिश है मेरा तो अपने बच्चों को कुछ भी करो मेहनत करो कुछ करो अपने बच्चों को पढ़ाओ।